यूथ को आपने जिस तरह से गैल्वेनाइज करना है, जिस तरह से उसको नर्चर करना है, जिस तरह से उसकी दिमाग की और जहन में कल्टीवेशन करनी है, वो आपने इल्म की, टेक्नोलॉजी की, साइंस की, उसकी कल्टीवेशन करनी है। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान आइंदा के लिए एक बड़ी ताकत ना बने। ये तो एक ऐसे प्रोफेसर का बयान है जो कि वेस्टर्न है, जो वेस्ट का रहने वाला है, लेकिन हम भी पूरा यकीन रखते हैं जब हम अपनी यूथ को देखते हैं, उनकी कारकर्दगी को देखते हैं, तो हमें पूरा यकीन होता है कि इस पाकिस्तान के हवाले से जो मायूसी का इजहार किया जाता है मुस्लिम लोगों पे, वो मायूसी इंशाल्लाह दरक्षा मुस्तकबिल की सूरत में बदल जाएगी जब ये हमारे नौजवान प्रैक्टिकल लाइफ में इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी तकदीर जो है वो बदलेगी। बहुत सी बातें करने को दिल कर रहा है, लेकिन चूंकि डॉक्टर सैयद ताहिर अली जाली साहब ने उनकी खसूसियात है, उन्हें वापस इस्लामाबाद जाना है, इसलिए मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो एक तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेज पे तशरीफ लाएंगे, और उसके अलावा जो बेस्ट परफॉर्मर हैं जिन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया है, उनके हवाले से भी वो अपने यूनिवर्सिटी के जो है वो लोगों और इंसिग्निया के साथ जो है वो कुछ चीजें लाए हैं जो वो आपको सीन करना चाहते हैं। उसके लिए भी हम कुछ लोगों की हमने पैरिस तैयार की है, उनकी इंस्ट्रक्शन पे इन बच्चों को आप जो है वो जरूर ये अवार्ड जो है वो देंगे। तो मैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अली जाली साहब को, प्रोफेसर हमायूं खान साहब को, मैडम तबस्सुम हमायूं खान साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए, और इसके साथ ही कन्वीर लोन साहब जो है वो भी साथ असिस्ट करें, मैडम राबिया जो है वो साथ असिस्ट करें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके हवाले से।